नमस्कार, मैं हूं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे ज्वेलर्स विक्रेता में डर का माहौल बना हुआ है। दरअसल 27 ग्यारह 2018 की शाम को कर्नाटक पुलिस ने बिना कुछ बताए मुंब्रा के 3 ज्वेलर्स दुकानदारों को पकड़कर बेंगलोर लेकर चली गई। इन तीनों ज्वेलर्स दुकान मालिकों के नाम युवराज, दीपक और नेमी चंद्र है। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक पुलिस ने सोना चुराने वाले चोर को गिरफ्तार किया है, जिसने पुलिस के सामने मुंब्रा के इन 3 ज्वेलर्स विक्रेताओं के नाम लिए हैं। मगर वहीं ज्वेलर्स एसोसिएशन ने इन तीनों दुकानदारों को झूठे इल्जाम में फंसाया जा रहा है ऐसा कहना है, जिसके विरोध में मुंब्रा में 3 दिन से ज्वेलर्स की दुकान बंद है। अब इन तीनों ज्वेलर्स विक्रेताओं को इंसाफ दिलाने के लिए एनसीपी के नगर सेवक सानू पठान और कलवा मुंब्रा के अध्यक्ष समीम खान ने आज एक मीटिंग रखी थी। देखिए, ये पूरी शंकर मंदिर से लेकर कौसा ज्वेलर्स तक जो बंद का ऐलान है वो यही बात को लेकर तो कि क्या मामला है उनको यही नहीं मालूम। व्यापारियों का एक संगठन 2 दिन से परेशान है। कुछ लोगों को यहाँ से नौकर ज्वेलर्स और एक और ज्वेलर्स की उधर से कुछ लोगों को 3-4 जन को लेके गए। यहाँ से उनका बोलना ऐसा था कि यहाँ से हमको लेके गए, बोले थाना में आइए। जब थाना पुलिस स्टेशन में जहाँ पहुँचे वहाँ पे पहुँचने में 1 घंटा लगा, 1.5 घंटा। वहाँ से बोले मुंब्रा जाइए, मुंब्रा पहुँचे तो मुंब्रा से एंट्री करा के वो लोग जा चुके थे। अब उनका यही बोलना है कि जब व्यापारियों के साथ हमारी मीटिंग हुई कि कम से कम आप उनको कौन सी फ्लाइट, कौन सी ट्रेन और कहाँ लेके जा रहे इसके बारे में उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। पूरा परिवार, पूरे दुकानदार डर के माहौल में थे। उसी उन लोग डरने के बाद उनका यही बोलना है कि मुंब्रा पुलिस और थाना पुलिस जैसे हमको सहयोग करती है, कुछ अगर FIR होती तो हमको FIR कॉपी बताती कि इस FIR में इसकी शिकायत का तुम्हारे पे ये मामला कि इस ये मामला हुआ है, इसकी FIR के अंदर इतने पेंडिंग बताए, इसी ने तुमको लेके जा रहे। वैसा कुछ भी नहीं किया गया, उनको कुछ मालूम नहीं है। यहाँ मालूम है कि मुंब्रा पुलिस में उन्होंने जाने की एंट्री कराए, बात ये नहीं है। बात ये है कि उनको, इनको परिवार को और ये दुकानदारों को ये बोलना चाहिए ना कि आपको इस FIR के अंदर इस गुनाह में इनको वहाँ लेके जाया जा रहा है, इस ट्रेन से, ये फ्लाइट से वो चौकी में आप पहुँचिए। मोबाइल बंद, उन अधिकारियों का मोबाइल बंद जो जिनको लेके गए, वो तीनों जन का मोबाइल बंद। बेचारे सारे व्यापारी परेशान होकर आज 2-3 दिन से पूरे ज्वेलर्स को बंद रखे। हमने आमदार जितेंद्र रावत साहब से, आनंद परंज पे साहब के साथ इन सभी लोगों की मीटिंग हुई। उन्होंने हमको माननीय आमदार साहब ने आदेश दिया, आनंद परंज पे साहब ने, कि आप और शमीम खान साहब और सभी जो भी लोग हैं उन ज्वेलर्स लोगों के साथ मिलिए और उनके बन पे उनको बताइए, आश्वासन दीजिए कि हम उनके साथ हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि 27 तारीख की ये घटना है और इसके लिए जो इनके साथ जो भी हादसा, जो घटना घटी है उसकी हम निंदा करते हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ थी तो यहाँ पे हमारे मुंब्रा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं, उनके साथ कम से कम वो जो पुलिस आई थी उनको बैठ के उनसे डिस्कस करना चाहिए था। उसके बाद जो उन लोगों के कोई पारिवारिक लोग भी होंगे, कोई बिजनेस पार्टनर होंगे, कोई उनके भाई होंगे, कोई पेरेंट्स होंगे, उनके साथ डिस्कस करना चाहिए था। अगर वो आदमी गलत है, वो आदमी अगर गलत था उनके हिसाब से, तो उसकी भी छानबीन होना चाहिए था। वो गोल्ड किससे लिया, क्या सब्जेक्ट उसके अंदर, कोई ऐसी छानबीन नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं इस तरीके से। तो जो मैं देख रहा हूँ आपके सामने, कम से कम 200 लोग बैठे हुए हैं, ये सब ज्वेलर्स के एक मालिक हैं, ये ओनर्स हैं शॉप्स के, और आज तकरीबन ये लोगों ने 3 दिन से ये लोगों ने स्ट्राइक करके रखी है। हमारे शहर में शादी और ब्याह का माहौल चल रहा है, आप देख रहे हैं दुकानें बंद पड़ी हुई है। तो इस तरीके से बहुत सारे लॉसेस है और बहुत सारा डर का माहौल है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे आमदार साहब ने कहा है कि कमिश्नर साहब से हमारा एक डेलीगेशन मुलाकात करेगा, हम DCP साहब, ACP साहब से भी मुलाकात करके बताएंगे कि सर इस पे आइंदा ऐसी कोई चीज़, अगर कोई बाहर से कोई भी ऐसी घटना मुंब्रा शहर में होती है तो कोई भी अगर अधिकारी बाहर से आता है तो कम से कम पहले आप लोगों के साथ में कोऑर्डिनेट करे, उसके बाद फिर किसी पर अटैक करके उसको, अगर वो गुनहगार है तो हम उसकी सभी सपोर्टिंग नहीं करेंगे, लेकिन उसकी जानकारी लेने के बाद उसको अरेस्ट करना या उसको गुनाह देने का हक बनता है। मगर अब जो बात सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाला है। इनसे 6 किलो सोने की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि मांग अगर पूरी नहीं हुई तो पूरे स्टेट पुलिस घुमाया जाएगा, मगर फिर 1-1 किलो सोने की मांग
की, मगर मुंब्रा के ज्वेलर्स विक्रेताओं ने इन्हें देने से मना कर दिया। पे जो पुलिस लेके गई है ना, उन लोगों ने पूरी तरह से जो 24 घंटे का नियम होता है मजिस्ट्रेट के सामने रखने का, फिर भी उन्होंने 3 दिन तक सिर्फ स्टोशनल लेने के लिए, पैसा मांगने के लिए 3 दिन तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया। और एक एक दुकान से बोलते इसको 2.5 किलो सोना दिया, एक दुकान जो सिर्फ 3 महीने पहले ओपन हुई है बोलते इधर 3.5 किलो सोना बेचा है, जबकि उनके बाहर ऐसा कोई FIR नहीं बताया। और जब उन्होंने ताबे में लिया तो उन जब मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने PC मांगी तो ऐसा कोई उनके पास CR नहीं थी कि वो 2.5 किलो और 3.5 किलो सोना बेचा है उनके पास उसका रूप हो, यानी उनके सरासर वो लोग एक तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं और पैसा स्टोचर करके पैसा लेना की उनकी मंशा है। हमारे जो MLA साहब है आवाड साहब और सानू भाई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर नहीं हुआ तो अपन वापस बंद करेंगे। और हमारे सब टोटल जो दूसरे व्यापारी भाई है ज्वेलर्स के अलावा किराना वाले मेडिकल वाले जो भी है वो भी सब बंद करने के लिए तैयार है, पर हम आवार साहब के हिसाब से कि भाई आपका मैं सोल्यूशन करा दूंगा पुलिस कमिश्नर से मीटिंग करके, तो वो हिसाब से हम रुके हुए। अगर हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ तो हम पूरा नहीं थाना कलवा नहीं, हमारे दूसरे भी ज्वेलर्स एसोसिएशन है पूरा बॉम्बे के, वो भी हमारा साथ देने के लिए तैयार है और वो भी बंद रखने के लिए ये मसले पर तैयार है, क्योंकि हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। हाईकोर्ट का एक भी रूल्स पालन नहीं गया है हमारे उनका हमारे आदमी को लेके जाने के टाइम, जो सर्कुलर हाईकोर्ट ने जारी किया है जो हमको अधिकार है एसोसिएशन को कि हमको कबूलीनामा चाहिए ये वाला चाहिए, कोई भी एक भी चीज़ को फॉलो नहीं किया गया है, ये हमारे खिलाफ़ अन्याय है। तो हम वो आवार साहब को बताए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप अभी ये सब इतना मत करो, अपने इधर मुंब्रा पुलिस वाले उनसे हम बात कर रहे हैं, वो अच्छे अपने को सपोर्ट करेंगे, वो हिसाब से हम बढ़े नहीं और हमने ही बंद किया। उन्होंने कहा जब हमने कुछ लिया ही नहीं तो क्यों दें, जिसके बाद 30/11/2018 को इन्हें कोर्ट में हाजिर कर इन पर कई सारे केस डाल दिए गए। अब इन तीनों को इंसाफ दिलाने के लिए ज्वेलर्स एसोसिएशन और NCP के नगर सेवक सानू पठान ने कहा है कि इन बेगुनाहों को इंसाफ दिलाने के लिए हमसे जो कुछ भी होगा हम करेंगे। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।